सीसी भाइयों की तरह एसजी 650 कॉन्सेप्ट में भी वही 648 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन और डुअल क्रेडिट फ्रेम है, लेकिन सारे सिमिलरिटी सिर्फ यहाँ तक ही है क्योंकि एसजी 650 के पी शूटर शेप के एग्जॉस्ट दूसरे 650 बाइक के रेट्रो डिजाइन से भी ज्यादा ओल्ड स्कूल दिखते हैं। लेकिन एसजी 650 को बनाते समय डिजाइनर्स एक रेट्रो मॉडर्न बाइक ही नहीं बल्कि एक रेट्रो डिजाइन का मॉडर्न वर्जन बनाना चाहते थे जो इसके ओवरऑल लुक में साफ दिखता है। इसका हेडलाइट, टेललाइट और इंडिकेटर्स सब एलईडी हैं और हेडलाइट श्राउड देखने में सीएफ मोटो सीएल 700X से मिलता जुलता है। साइड प्रोफाइल से इसका फ्रंट हाफ रॉयल एनफील्ड के 650 सीसी क्रूजर से सिमिलर है जिसे हमने काफी बार टेस्टिंग करते हुए देखा है। बॉबर डिजाइन होते हुए इसमें सिंगल सीट है चॉप रियर मडगार्ड के साथ, ऑल्दो इसका ट्विन शॉक रियर सस्पेंशन बाकी बॉबर्स की तरह सीट के नीचे नहीं है। कॉन्सेप्ट होने के नाते एसजी 650 में बेशक काफी कुछ ऐसा है जो हमने किसी और रॉयल एनफील्ड में नहीं देखा। सबसे पहला है इसका इन्वर्टेड फोर्क जो इसके फ्लैट और लंबे हैंडल बार के साथ इसके लो स्लंग डिजाइन को काफी स्पोर्टी लुक देता है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दूसरे 650 बाइक्स के ट्विन पॉड सेमी एनालॉग क्लस्टर के बजाय ऑल डिजिटल है और इसमें ट्रिपर पॉड भी मिलता है। अब भले ही इसका फ्यूल टैंक इंटरसेप्टर 650 जैसे दिखता हो लेकिन इसके अनोखे वन पीस अलॉय व्हील्स की तरह टैंक को भी बिलेट एल्यूमिनियम ब्लॉक से सीएनसी मशीन के थ्रू बनाया गया है। एसजी 650 कॉन्सेप्ट में सामने ट्विन सॉलिड डिस्क ब्रेक्स हैं जो हम फिर से रॉयल एनफील्ड बाइक में पहली बार देख रहे हैं और इनके ब्रेक कैलिपर्स का डिजाइन भी यूनिक है। और अंत में आते हैं इसके सबसे विजिबल यूनिक फीचर पे जो है इसका पेंट स्कीम। डिजाइनर्स के मुताबिक इसका इंस्पिरेशन था ट्रांजिशन रॉयल एनफील्ड के एनालॉग पास्ट से डिजिटल फ्यूचर की तरफ और इस वजह से ये ब्रश्ड स्टील और ग्लॉस ब्लैक का कॉम्बिनेशन सिर्फ टैंक और बॉडी पैनल्स ही नहीं बल्कि इंजन केस में भी दिखता है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया एसजी 650 बॉबर का प्रोडक्शन वर्जन शॉटगन 650 कहलाएगा और इसका लॉन्च अगले साल के सेकेंड हाफ में ही हो सकता है। लेकिन प्रोडक्शन वर्जन तक आते आते कॉस्ट को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसके काफी सारे वन ऑफ अ काइंड डिजाइन फीचर जैसे कि हेडलाइट शाउड और बिलेट एल्यूमिनियम के सिंगल पीस अलॉयज और फ्यूल टैंक नहीं होंगे। इसका हेडलाइट, टेल लाइट और इंडिकेटर्स भी एलईडी के बजाय हैलोजन ही हो सकते हैं और सामने डुअल डिस्क के बजाय सिंगल ब्रेक डिस्क ही होगा। हालांकि हो सकता है इसके हैंडल बार का डिजाइन और इन्वर्टेड फ्रंट फोर्क्स हमें प्रोडक्शन वर्जन में भी मिले। और फाइनली प्राइस की बात करें तो शॉटगन 650 की एक शोरूम कीमत करीब 3.5 लाख रुपए हो सकती है जो भले ही दूसरे रॉयल एनफील्ड 650 बाइक से ज्यादा हो लेकिन इसके राइवल्स जैसे बेनेली 502C और कावासाकी वल्कन एस से कम ही होगी। तो क्या एसजी 650 कॉन्सेप्ट में